नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनु त्रिपाठी। होटल यूनियन वेलफेयर एसोसिएशन, जो लगातार मैं आपको कई बार रूबरू करा चुका हूं, दिखा चुका हूं कि इनकी जो मुख्य मांगे हैं उनको लेकर के ये काम कर रहे हैं। ओयो कंपनी के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी इन होटल ओनर्स का जो शोषण कर रही है उससे मुक्त कराने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया। अभी हमारे साथ इस संगठन के जो उपाध्यक्ष भावेंद्र सिंह जी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा, उनसे जानना चाहूंगा कि उनका जो संगठन है वो अभी किस लेवल तक पहुंचा है और आगे वो क्या करना चाहता है। तो भावेंद्र जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आप भावेंद्र जी, ये बताइए कि लगातार आप जैसे संघर्ष कर रहे हैं, देख रहा हूं भावेंद्र जी और आप दोनों लोग मिलकर के संघर्ष करते हैं, तो अभी तक कितने होटल्स को आपने जोड़ा है और क्या आगे की उम्मीदें हैं कि मतलब हम आगे इस चीज से जीत पाएंगे या क्या कुछ इसके बारे में? अभी तक तकरीबन 800 होटल ओनर हमसे जुड़ चुके हैं और अब आगे का यही है कि मीडिया बंधों के माध्यम से कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, और अगर सुनवाई नहीं होती है कि या अगर वो कंपनी हमारी बातें नहीं या हमारी शर्तें नहीं मानता है, फिर हम ओयो के हेड ऑफिस में सारे मीडिया बंधुओं के साथ और सारे होटल ओनर वहां पे डायरेक्ट चल के और वहां पे रितेश अग्रवाल जो इसके सीईओ हैं उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। लेकिन नारायण जी, ये बताइए कि जैसे बहुत से लोग हैं, अक्सर देखिए आपके जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दे क्या है, मतलब जो आप जिस मुद्दे को लेकर लग रहे हैं? मेन मुद्दा इसमें यह है कि जो कमीशन है वो 29% पे हमारा इनसे साइन होता है, तो वो उतना ही लें। अब 29% पे कमीशन पे साइन हुआ है, हमारा एग्रीमेंट हुआ है, और ये 70-80% हमसे कमीशन चार्ज करते हैं। दूसरा कि रेट हम तय करें, होटल ओनर तय करें, ना कि वो तय करें। अब किसी का भी कोई भी चीज का सामान, होटल हमारा है, रूम हम इन्वेस्टमेंट हमने किया है, तो उसका क्या चार्ज होना चाहिए वो हम डिसाइड करेंगे ना कि हमारे कितने खर्च हैं। अब उसको जो हमारा खर्च ही 600-500 रुपए आ रहा है एक पर डे के हिसाब से, अब कंपनी उसको 400 रुपए बुकिंग कर दे रही है, फिर हम लोग कमरा कहां से उनको दिया जाए? और फिर कस्टमर बुकिंग करके आ जा रहे हैं और जिनको कमरा ना दिया जाए वो मार्केट पे उतारू हो जा रहे हैं। नहीं तो अगर देखिए, जैसे अगर किसी कस्टमर ने बुक किया तो कस्टमर तो खुश हो जाता है कि भाई उसको सस्ता कमरा मिल रहा है, उसको इससे तो फर्क नहीं पड़ता है कि होटल मालिक नुकसान में चल रहा या ओयो नुकसान में जा रहा है। तो जैसे कस्टमर तो इसमें मान लो रेट को लेकर तो बहुत खुश रहेगा क्योंकि उसको सस्ता मिल रहा है, और हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि लोग अगर आप लोग जैसे मना कर देते हैं कमरा देने से तो जाके बगल में ले लेते हैं, ऐसा भी होता है। नहीं, कमरा बगल में कैसे ले लेगा? कमरा बगल में उस रेट पे देंगे तब ना होटल वाले देगा। आप बुकिंग करके जाइए 300-400 रुपए में, अगर होटल वाला कमरा आपको दे दे रहा है तो फिर बताइए। तो आपको क्या लगता है कि लगभग क्या रेट होना चाहिए उत्तर प्रदेश में? 1000 से प्लस ही होना चाहिए, 1000 से कम का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कोई इससे कम में कोई होटल सर्वाइव कर पाएगा कोई। मित्र, ये बात तो सही है, मैं आपको बता दूं कि जो प्राइस को लेकर के लगातार संगठन जो काम कर रहा है, कहीं ना कहीं ये एक पीड़ा और एक दर्द है जो कि संगठन बयात ना कर रहा है, संगठन ही नहीं कर रहा बल्कि और भी जितने भी होटल ओनर्स हैं उनको भी ये दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। लेकिन कुछ ओनर्स बाहर आकर के लड़ सकते हैं तो कुछ लोग अंदर बैठ के लड़ाई लड़ते हैं। आपको बता दूं प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 1000 रुपए जो कि जायज है, क्योंकि जैसा कि भावेंद्र जी ने बताया 500-600 रुपए इसका खर्च आता है। अगर इतना बड़ा होटल खोल करके अगर पर कमरे पे 300 रुपए भी नहीं बचेगा सारी चीजों को निकालने के बाद, तो कोई व्यक्ति होटल क्यों खोलेगा? इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी, जो बिजनेसमैन है उनको हानि पहुंचेगी, कहीं ना कहीं वो रोड पे आ जाएंगे। कोरोना काल में भी जितने भी होटल वाले थे वो एक लास्ट में रोड पे ही आ गए थे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी वसूली करने के लिए फर्जी के टैक्सेस लगा करके इससे जो सेलिंग चार्ज करते हैं वो 70% तक करते हैं। जरा आप सोचिए, होटल इनका, सामान इनका, स्टाफ इनका, सारा सामान इनका, लेकिन वो बैठे बैठे 70% कमीशन अपने खाते में ले जाता है, और अगर ये लोग रिचार्ज नहीं करते हैं तो उसके बाद बुकिंग बंद कर देता है देना, ऐसा ही होता है ना? बिल्कुल, जैसे फोन का रिचार्ज होता है कि 28 दिन का आपने किया कि 28 से 29वें दिन आपका फोन किसी कॉल करे में नहीं लगता है, सेम यही चीज ओयो कंपनी में भी है कि जब तक हमारे वॉलेट में पैसा रहेगा, रिचार्ज हम किए रहेंगे तब तक बुकिंग आएगी, रिचार्ज खत्म बुकिंग खत्म, सोल्ड आउट तुरंत होटल को डाल दिया जाता है। अब सोचिए ऐसी दैनिक जो दशाएं हैं कहीं ना कहीं होटल मालिकों के साथ आए दिन होती है,
लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस पे ओयो के ऊपर जाने कितनी एफआईआर की गई है। मदन जी ने बताया था कि जाने कितनी एफआईआर है उसके ऊपर, लेकिन फिलहाल उस पर भी कार्य नहीं किया जाता है। खासकर मैं सरकार को लेकर भी ये कहूंगा कि सरकार को खुद ये सोचना चाहिए कि कोई कंपनी अगर इस तरीके से हमारे इन होटल जो होटल ओनर्स हैं अगर उनका शोषण कर रही है तो उनके खिलाफ सरकार को उतरना चाहिए और सरकार को भी कहीं ना कहीं इस यूनियन का साथ देना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अन्नपूर्णा।